अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका सहनाज का। तो कैसे हैं आप सब? बारिश के सीज़न में सभी को मज़ेदार पकोड़े खाने का बहुत दिल करता है, और इस तरह का स्नैक्स अगर मिल जाए तो बारिश में मज़ा ही आ जाता है। यही सोचकर मैंने आपके लिए एकदम बाज़ार जैसा ब्रेड पकोड़े बनाया है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, एकदम मज़ेदार रेसिपी है। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी आप सबसे पहले देख पाएँ। मैं हमेशा इसी तरह की रेसिपी डालते रहती हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये जो ब्रेड पकौड़े हैं, ये ग्रीन चटनी और सॉस के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही यमी हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ब्रेड पकोड़े के स्टफिंग बना लेंगे, जो कि आलू से बनता है। तो बॉइल्ड आलू मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब हम उसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है 1.5 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करें। नमक डालने के बाद हम जो है इसे आलू को मैश कर लेंगे। आप हाथों से कर सकते हैं, या फोक से कर सकते हैं, या मैसर से भी कर सकते हैं। तो मैं इसे मैश कर लेती हूँ। तो मैश करने के बाद एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इसको। तो अभी आलू को फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है, पैन हमारा गर्म है, तो इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल जो है मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी, और ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ हरी मिर्च ऐड कर दूंगी, और डालेंगे इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून, मतलब आधी टी चम्मच से भी कम, हल्दी पाउडर। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा अपने तीखे के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाला हुआ है। इसी हिसाब से आप कितना तीखा पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप डालें। तो मसाले को डालने के बाद मैं अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लूँगी। मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें अपना मैश किया हुआ आलू ऐड कर देंगे। आलू डालने के बाद अच्छे से मसालों के साथ इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो हमारी मसालेदार आलू की स्टफिंग बनके तैयार है। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और हम स्टफिंग, तो चलिए ब्रेड में हम स्टफिंग लगा लेते हैं। तो आपको जितना ब्रेड बनाना है आप उतना ही लीजिए, और आपका अपना आलू का स्टफिंग भी उतने ही क्वांटिटी में आप बनाइए। तो मैं यहाँ पे जो है 8 ब्रेड का मैं बना रही हूँ, साइड का मैंने कट करके निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है एक ब्रेड के ऊपर हम जो है हरी चटनी लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद में दूसरी ब्रेड के साइड में भी हम लगा लेंगे। और अब इसको रखेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा आलू हाथों में लेंगे। और आपको इस तरह से इसमें फैला के लगाना है, आलू जो है चारों ओर आना चाहिए, कम पड़े तो फिर से ले लेना है। इस तरह से हम पूरे ब्रेड में लगा लेंगे। तो देख सकते हैं आलू को मैंने हर जगह लगा लिया, और दूसरी साइड का ब्रेड जो हमने चटनी लगाया था वो वाला ब्रेड हमें रख के इसको आलू के साथ चिपका लेना है। और अब हमें इसको बीच में से कट लगा देना है, जिस तरह से हम सैंडविच बनाते हैं बस उसी तरह से हमें इसको कट कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से बिल्कुल। तो अब हम इसको क्या, आप चाहें तो इसी तरह से आप उसको फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसको बीच में से इस तरह से कट करके भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम
जब बाजार जैसा बना रहे हैं तो हम ऐसा ही फ्राई करेंगे। तो मैं सारे ब्रेड में इसी तरह से आलू लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं सारे ब्रेड मैंने तैयार कर लिए है स्टफिंग के साथ। अब तो बेसन का घोल बना लेते हैं। तो इधर मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, अब इसमें हम 2 कप बेसन डालेंगे। तो पहले 1 कप में डाल लेती हूँ, तो ये और 1 कप बेसन हमने डाला। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, नमक मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून, और लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून, और अब इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर जो है इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून, यानी कि 1/2 टीस्पून से भी कम। अब इसमें मैं पिंच ऑफ हल्दी डालूंगी सिर्फ कलर के लिए, ये ऑप्शनल है, अपना भी डालें तो भी चलेगा। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब इस सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका फाइन घोल तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं हमने अच्छा सा इसका घोल बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं, अब देख सकते हैं इस तरह का घोल हमारा बन के तैयार है। अब चलिए फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल मैंने कढ़ाई में गरम होने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा गरम है। तो चलिए चेक कर लेते हैं ऑयल हमारा गरम है कि नहीं। तो थोड़ा सा हमें इससे बैटर उठाना है और इसमें डाल देना है। अब देख सकते हैं ऊपर आ रहा है, तो हमारा ऑयल जो है गरम हो चुका है। तो अब हम पकौड़े डालना स्टार्ट करते हैं। आपको इस तरह से एक ब्रेड लेना है और इसमें बेसन में डीप करना है, चारों लगा देना है अच्छे से इस तरह से। और अब इसको उठा के ऑयल में डाल देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं और एक डाल देती हूँ। इस तरह से हमें डीप करना है, चारों और अच्छे से लगाएंगे। इसको साइड करके हमने डाल दिया। तो एक साइड का जैसे ही हो जाएगा तो मैं गैस का जो फ्लेम है वो थोड़ा सा मीडियम कर लेती हूँ, और एक साइड का जैसे ही हमारा फ्राई हो जाएगा हम दूसरी साइड पलट लेंगे। तो एक साइड का हो गया था हमारा, तो मैं अब दूसरी साइड पलट लेती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसी तरह से इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक, ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो ब्रेड के पकौड़े हैं वो एकदम बन के तैयार है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। और इसी तरह से सारे पकौड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे पकौड़े हमने बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब तो इसे हम प्लेटिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इसे ऐसे ही प्लेटिंग कर सकते हैं या फिर बीच से कट कर लगा लेंगे। बीच से कट लगाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको इस तरह से कट लगाना है और आप इस तरह से देख सकते हैं बहुत ही यम्मी दिख रहा है। अब इसी तरह से मैं प्लेट में रख देती हूँ, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं बस इसी तरह से आप सर्व करें, और ये देखने में खाने में दोनों में ही बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार है। आप ज़रूर ये पकोड़े, ब्रेड पकोड़े की रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही इजी है, एकदम मार्केट जैसा, एकदम बाज़ार जैसा। आप इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मुझे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ इसी तरह।